वेलकम टू माय स्टडी फिक्स चैनल दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ केवीएस टीजीटी 2018 में हुए पेपर का साल प्रश्न पत्र। दोस्तों, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, पूरे 100 क्वेश्चंस इस वीडियो में रहेंगे और कितना आपका स्कोर होता है आप अपना स्कोर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, क्वेश्चन है, कोहन का मानना है कि अभिप्रेरित करने के लिए सही प्रदान करना आवश्यक है। तो अभिप्रेरित करने के लिए सही प्रदान करना क्या आवश्यक है, इनके अनुसार सही जवाब है अवसर यानी अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमाशय यानी स्टोमक से निम्न में से कौन सा आमाशयी रस स्त्रावित होता है। तो दोस्तों, इसमें आपका स्त्रावित होता है, ऑप्शन दिया है एक्सियन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन। तो इसमें जो है एक्सियल भी स्त्रावित होता है और पेप्सिन, जबकि ट्रिप्सिन नहीं होता है। ट्रिप्सिन होता है आग्नाशय यानी पैंक्रियाज से, और आमाशय में स्त्रावित होता है, जैसे कि आमाशय में गैस्ट्रिक जठर ग्रंथि होता है जिससे गैस्ट्रिक जूस निकलता है, और गैस्ट्रिक जूस यानी कि जठर रस में HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एंजाइम में आपका पेप्सिन, रेनिन, गैस्ट्रिक लाइपेज, गैस्ट्रिक म्यूसिन आदि निकलता है। तो इसमें आसन में आपका HCl और पेप्सिन दो राइट हो जाएगा, ट्रिप्सिन निकलता है आग्नाशय से, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ए एंड बी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ए एंड बी यानी कि HCl और पेप्सिन। अब दोस्तों, आपको जानना होगा कि इसके कार्य भी क्या है। जो HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जो भोजन के साथ आए हुए जहरीली पदार्थों, कीटाणुओं तथा कंकड़ पत्थर को जला कर नष्ट कर देती है और निष्क्रिय एंजाइमों को सक्रिय एंजाइम में बदल देती है। एंड जो पेप्सिन होता है वह HCl की उपस्थिति में प्रोटीन से संबंधित भोज्य पदार्थों पर क्रिया करके उसे पेप्टोन में बदलता है, यानी कि प्रोटीन को पचाने में कार्य करता है। तो ऑप्शन के अनुसार ये दोनों हो गए। और क्या क्या पाया जाता है इसमें, रेनिन होता है जो दूध को कैसीन में बदलता है, यानी कि दूध को पचाने में कार्य करता है। जो रेनिन होता है दोस्तों, नवजात शिशु में ज्यादा पाया जाता है। यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट आपका है गैस्ट्रिक लाइपेज, और क्या पाया जाता है आमाशय में, गैस्ट्रिक लाइपेज जो कम मात्रा में इसमें उपस्थित होता है और यह फैट्स को पचाता है, ठीक है। एंड म्यूसिन जो होता है आमाशय की आंतरिक दीवारों पर परत बना करके HCl के प्रभाव से रक्षा करती है, नहीं तो HCl जो है आमाशय की दीवारों को काट सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आमाशय में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है तथा प्रोटीन व वसा के पाचन की शुरुआत होती है। तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि प्रोटीन के पाचन की शुरुआत कहाँ पे होती है, तो आमाशय में यानी स्टोमच में, जबकि कार्बोहाइड्रेट की पाचन की शुरुआत हमारे मुख में ही हो जाती है दोस्तों, जैसे कि हमारे मुख में टायरिन एंजाइम पाया जाता है जो कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कि यह किसका मानना है कि उपलब्धि, संबंधन तथा शक्ति ये तीन अभिप्रेरणा की व्याख्या करने हेतु महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं। तो यह किसका मानना है दोस्तों, यह मानना है मैकलीलैंड का, ठीक है। दोस्तों, जैसा कि मैं व्याख्या भी करती जा रही हूं, दोस्तों इस वीडियो को आप आसानी से देखिए, लंबा वीडियो हो जाएगा तो कोई बात नहीं, बट आपको समझ में भी आना चाहिए, इसलिए धैर्य रख करके इस वीडियो को पूरा देखिए। जैसे कि डेविड मैकलीलैंड ने शक्ति अभिप्रेरक की अभिव्यक्ति के तीन सामान्य तरीके बताए हैं,
प्रथम तरीका उन्होंने बताया है कि व्यक्ति शक्ति या सामर्थ्य का बोध प्राप्त करने के लिए अपने बाहर के स्रोतों का उपयोग करता है, जैसे खेल के सितारों के बारे में कहानियां पढ़कर या किसी लोकप्रिय व्यक्ति के साथ संलग्न होकर। दूसरा इन्होंने बताया है, दूसरी शक्ति का बोध अपने भीतर के स्रोतों द्वारा भी किया जा सकता है और उसकी अभिव्यक्ति सारी सौष्ठों का निर्माण करके तथा अपने आवेगों एवं अंतः प्रेरणाओं पर नियंत्रण करके की जा सकती है। तीसरा इन्होंने बताया है कि व्यक्ति कुछ कार्य व्यक्तिगत स्तर पर दूसरों पर प्रभाव डालने के लिए करता है। तो पहला इन्होंने बताया है कि वह अपना सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए बाहर की स्रोतों का उपयोग करता है, दूसरे में अंदर की स्रोतों का उपयोग करता है, और तीसरा में क्या करता है, वह व्यक्तिगत स्तर पर दूसरे पर प्रभाव डालने के लिए करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आमाशय में पदार्थ के प्रवेश की अनुमति देने वाले वलय कहलाता है। तो दोस्तों, जब हमारा मुख से भोजन जाता है ग्रास नली यानी कि आइसोफेगस से होता हुआ आमाशय में, तो किस द्वार से जाता है, तो आइसोफेगस यानी ग्रास नली से कार्डियक जो कपाट होता है आमाशय में, कार्डियक कपाट और पाइलोरिक कपाट होता है, तो कार्डियक कपाट से ग्रास नली यानी आइसोफेगस से भोजन आमाशय यानी स्टोमच में जाता है, और जो पाइलोरिक कपाट होता है वहां से आमाशय से भोजन छोटी आंत के पहले भाग छोटी आंत में जाता है यानी कि डोडिनम से होता हुआ। तो इसमें दो कपाट होते हैं। तो आमाशय में पदार्थ के प्रवेश, या कहां यहां क्वेश्चन क्या कर रहा है, आमाशय में पदार्थ के प्रवेश की अनुमति वाले पेशी वलय को क्या कहते हैं हम, हृदय संवरणी यानी कार्डियक संवरणी, यहाँ पे हम कहेंगे जो कार्डियक कपाट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा खेल प्रशिक्षण का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन है व्यक्तिगत मतभेद का सिद्धांत, अतिभार का सिद्धांत, अभिप्रेरणा का सिद्धांत, उपयोग अनुपयोग का सिद्धांत। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका व्यक्तिगत मतभेद का सिद्धांत भी खेल प्रशिक्षण का सिद्धांत है, अतिभार का सिद्धांत भी है, उपयोग अनुपयोग का भी सिद्धांत है, जबकि इसमें अभिप्रेरणा का सिद्धांत, सीखने का सिद्धांत, खेल प्रशिक्षण का सिद्धांत नहीं है। खेल प्रशिक्षण के सभी सिद्धांतों के बारे में डिटेल में बताया हुआ है दोस्तों, आप स्पोर्ट ट्रेनिंग के प्लेलिस्ट में जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। एंड दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपलब्धि अभिप्रेरणा को निम्न में से किस प्रकार परिभाषित किया जाता है। क्या क्वेश्चन है, उपलब्धि अभिप्रेरणा को निम्न में से किस प्रकार परिभाषित किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन है, किसी स्पर्धात्मक स्थिति में पहुंचने अथवा दूसरे दूर रहने हेतु खिलाड़ी की पूर्वानुकूलता। तो इसमें आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उपलब्धि अभिप्रेरणा को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, कि किसी स्पर्धात्मक स्थिति में पहुंचने अथवा उससे दूर रहने हेतु खिलाड़ी की पूर्वानुकूलता यानी कि पूर्व जो अनुमान होता है वह लगाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि सामान्यतः मिट्टी कार्य अथवा राजगिरी से निर्मित कृत्रिम झीलों जिनमें काफी मात्रा में भूपृष्ठ जल जमा किया जाता है को कहा जाता है। तो उसको क्या कहा जाता है दोस्तों, उसको बोला जाता है अवरुद्ध जलागार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी बॉल का वजन और व्यास कितना होता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, हॉकी बॉल का वजन 156 से 163 ग्राम होता है और इसका जो व्यास होता है 71.3 से 74.8 mm यानी मिलीमीटर होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसके द्वारा कोई अच्छा दिख सकता है, अच्छा अनुभव कर सकता है और
लंबा जीवन जी सकता है। तो किसके द्वारा दोस्तों? ऑप्शन है नियमित व्यायाम, डॉक्टर के पास नियमित रूप से जाना, नियमित रूप से दवा खाना, अपने अनुकूल रहने के लिए मशीन पर विश्वास करना। तो सबसे करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ए। नियमित व्यायाम से हम एक अच्छा दिख सकते हैं, अच्छा अनुभव कर सकते हैं और लंबा जीवन जी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि कोई व्यक्ति किसी समूह में इतना तल्लीन हो जाता है कि वह गुमनाम सा हो जाता है तो वह व्यक्ति क्या है? वह व्यक्ति यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। वह व्यक्ति निर्व्यक्तिकरण के कारण अंतर्बाधा प्रवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? भारतीय खेल प्राधिकरण यानी स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट में साई बोला जाता है। जैसे कि दोस्तों इसका नाम बदल दिया गया है 2019 में, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में से अथॉरिटी हटा करके स्पोर्ट इंडिया कर दिया गया है, साई से या साई हो गया है। जैसे कि स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना हुआ था 25 जनवरी 1984 को। कब हुआ था? 25 जनवरी 1984 को। जैसा कि दोस्तों भारतीय खेल प्राधिकरण भारत के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय का महत्वपूर्ण अंग है। अपनी खेल प्रोत्साहन योजनाओं के माध्यम से भारतीय खेल प्राधिकरण युवाओं में प्रतिभा उत्पन्न करने का कार्य करता है। इसके लिए वह उन्हें आवश्यक आधारभूत ढांचा, उपकरण, प्रशिक्षण, सुविधाएं और प्रतियोगिता के अवसर प्रदान करता है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1984 को की गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सतत प्रशिक्षण, आसन है लंबी कलावधि के लिए, निम्न मध्यम तीव्रता पर प्रशिक्षण है कि विभिन्न तीव्रताओं पर प्रशिक्षण है कि सतत प्रशिक्षण से वातापेक्षी या वात निरपेक्ष स्वास्थ्यता में सुधार होता है कि इसमें एक कार्यक्रम का उपयोग किया जाता है जिसमें पुनरावृत्ति तथा समुच्चय होते हैं। तो कौन सा सही जवाब है दोस्तों? सतत, जहां सतत लगातार शब्द आ जाए तो यहाँ वहां जान लीजिए कि लंबे अवधि की क्रिया की बात हो रही है। ठीक है, यानी इंड्योरेंस वाले कार्यों की बात हो रही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कि लंबी कलावधि के लिए निम्न मध्यम तीव्रता पर प्रशिक्षण। ठीक है, जैसा कि दोस्तों आप स्ट्रेंथ, इंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन एंड स्पीड रिलेटेड स्पोर्ट ट्रेनिंग के सभी वीडियोज डिटेल में देख सकते हैं। स्पोर्ट ट्रेनिंग वाले आप प्लेलिस्ट में जाकर के सभी के बारे में डिटेल में जानकारी ले लीजिए, जिससे आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेरेन पीरेडी कोबर्टिन किस वर्ष अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन किए? तो दोस्तों इन्होंने 23 मई 1894 में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOA यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का स्थापना किया आधुनिक ओलंपिक शुरू करने के लिए, जिसके आधार पर 6 अप्रैल 1896 में यानी 2 वर्ष बाद प्रथम आधुनिक ओलंपिक एथेंस में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अस्थि के एक छोर से दूसरे को जोड़ने वाले संयोजी ऊतक की तंतुमय पट्टी अस्थिबंध लिगामेंट में तनाव तथा अथवा विदारण की स्थिति कहलाती है। दोस्तों मैं कई बार बता चुकी हूं लिगामेंट में तनाव की बात कहे तो वहां पे ट्रिक बताई हूँ स्ट्रेनली स्ट्रेनम। स्ट्रेनली मतलब स्ट्रेनली यानी स्ट्रेन लिगामेंट और स्ट्रेनम मतलब मांसपेशी टेंडन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा लिगामेंट में तनाव की बात कर रही है तो लिगामेंट करता क्या है दोस्तों? यह हमारे
हड्डियों को, एक हड्डी को दूसरे हड्डी से जोड़ों पर जोड़ता है। तो यहाँ पे अगर तनाव आएगा, लिगामेंट में तनाव आएगा, तो उसे हम मोच यानी कि स्प्रेन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्थिति जिसमें किसी जोड़ में अस्थि के छोर को इसके सामान्य स्थान से हटाने के लिए बाध्य होना पड़ता है, तो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? यहाँ पे विस्थापन हो रहा है, सामान्य स्थान से हट रहा है, जैसे हमारा शोल्डर डिसलोकेशन एंड हमारा हिप डिसलोकेशन होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा विस्थापन यानी संधि च्युति, यानी कि हमारे जोड़ों पर जो हड्डियां होती हैं अपने स्थान से खिसक जाती हैं, उसी को हम कहते हैं डिसलोकेशन यानी विस्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह रोग संक्रमण जिसमें पारंपरिक 5F सहित क्रियाविधि के प्रकार का अनुसरण करता है क्या कहलाता है? तो यह दोस्तों कहलाता है अप्रत्यक्ष संक्रमण, यानी इसमें 5 प्रकार के जीव आते प्रक्रिया आती है, जैसे कि मक्खियां हो गया, हमारे उंगली हो गया, ठीक है, और एक संक्रामक पदार्थ हो गया, और हमारा फूड हो गया, और फ्लूइड हो गया यानी कि द्रव, इसको हम बोलते हैं 5F, ये अप्रत्यक्ष रूप से संक्रमण में भागीदारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह स्थिति जिसमें किसी पेशी अथवा कंडरा यानी टेंडन का मरोड़, खिंचाव अथवा विदारण हो क्या कहलाती है? तो दोस्तों टेंडन की चोट, मांसपेशी अथवा टेंडन की खिंचाव की बात कहे तो वहां पे आपका हक्का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खिंचाव यानी कि स्ट्रेन। ठीक है, लिगामेंट की चोट मोच यानी स्प्रेन होगा, और टेंडन यानी मांसपेशी की चोट खिंचाव यानी स्ट्रेन होगा। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 18 है कि किसी जलधारी स्तर में किसी कुंड में खोदा गया कुआं है। तो दोस्तों जहां पे ज्यादा जल होता है वहां पे आप नदी में आप अक्सर देखते होंगे कि वहां पे आप हाथ से बस ऐसे कर देंगे तो वहां पे पानी निकल आता है, तो वहां पे जो जलधारी स्तर में किसी कुंड में खोदा गया कुआं को हम क्या कहेंगे? तो वहां पे हम इसको बोलेंगे कच्चा कुआं। क्या बोलेंगे? कच्चा कुआं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सही है? तो दोस्तों यहां पे आपका, आप यहां पे ध्यान से देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। यहां पे दिया हुआ है डिस्कस थ्रो का क्षेत्रक कोण 3492 होता है, जैसा कि आपको सबको पता है कि डिस्कस थ्रो, शॉट पुट, हैमर थ्रो, इन तीनों के डिस्कस इन थ्रो का जो क्षेत्रक कोण होता है 3492 होता है। ठीक है, 3492 अंश, एंड और ऑप्शन है शॉट पुट का क्षेत्रक कोण 45 अंश होता है, गलत है। डिस्कस, पुरुष डिस्कस का व्यास 22 सेंटीमीटर होता है, ये भी गलत है। यहाँ पे दोस्तों ए सही, आपका 22 सेंटीमीटर होता है, ये आपका सही है। यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, यानी ए सी और ई सही है। ऑप्शन नंबर डी में क्या है? ए सी और ई सही है। ए में आपका है डिस्कस थ्रो का क्षेत्रक कोण 3492 है, बी में है आपका, सी में है आपका पुरुष डिस्कस का व्यास 22 सेंटीमीटर होता है, एंड ई आपका सही है, महिला जेवलिन की लंबाई 2.2 से 2.3 मीटर है, जबकि पुरुष जेवलिन का पूछेगा दोस्तों तो 2.6 से 2.7 मीटर हो जाएगा। ये ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीर्घीकरण लेथेनिंग के समय पेशी बल लगता है, यह संचलन कहलाता है। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते होंगे जो हमारी मसल्स की क्रियाविधि है आपका आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, आइसोकाइनेटिक, इसके बारे में डिटेल में बताई हूं। तो जो आइसोटोनिक होता है उसमें पेशियों की लंबाई बढ़ती है घटती है, यानी जब हम फ्लेक्शन एक्सटेंशन करते हैं वहां पे हमारी आइसोटोनिक स्ट्रेंथ होता है। तो इसमें दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं, एक कंसेंट्रिक, एक इंसेंट्रिक। कंसेंट्रिक यानी संकेंद्री,
हिंदी में आपको दिक्कत होगा, आप इंग्लिश वर्जन जरूर ध्यान में रखिएगा क्योंकि वहां पे आपको जल्दी समझ में आएगा, हिंदी जो लिखा रहता है वो कम समझ में आएगा। तो संकेंद्रित मतलब कंट्रक्शन यानी कि, और कंसेंट्रिक यानी संकेंद्री, उत्केंद्री यानी इसेंट्रिक। तो दीर्घीकरण की बात कर रहा है यानी कि लंबाई में वृद्धि हो रहा है, तो वो हम क्या करेंगे वहां पे, हमका हमारा इसेंट्रिक कंट्रक्शन हो रहा है। कौन सा कंट्रक्शन? इसेंट्रिक यानी लंबाई में वृद्धि हो रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्केंद्री। क्या हो जाएगा? उत्केंद्री यानी इंग्लिश में इसेंट्रिक होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन खेल मनोवैज्ञानिक के लिए नैतिक दिशा निर्देशों की मांग नहीं है? यहाँ पे ऑप्शन है सक्षमता, ये आपका नैतिक दिशा निर्देशों की मांग है, एंड इसमें ईमानदारी भी है, और व्यवसायिक तथा वैज्ञानिक उत्तरदायित्व, किसी चीज का उत्तरदायित्व आपका एक नैतिक दिशा निर्देश होता है। यहाँ पे नैतिक दिशा निर्देश कौन नहीं है पूछा है, यहाँ पे खेल मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर की डिग्री उपाधि, स्नातकोत्तर की उपाधि लेना, ये कोई आपका नैतिक दिशा निर्देश की मांग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य शिक्षा के सिद्धांत के अंतर्गत कैरट एवं स्टिक यानी पुरस्कार एवं दंड उपागम का क्या अर्थ है? तो कैरट एवं स्टिक यानी कि आप एक तरफ गाजर भी खिला रहे हैं, एक तरफ स्टिक भी दे रहे हैं यानी छड़ी भी दे रहे हैं, यानी पुरस्कार एवं दंड का सिद्धांत, या किसका इसमें चारों ऑप्शन में आपका एग्जाम्पल फिट बैठेगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कि किसी घोड़े को सामने एक गाजर लटकाना तथा पीछे से मारना। ठीक है, पुरस्कार भी दे रहे हैं और दंड भी दे रहे हैं, ये प्रभाव के नियम में आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्ति पर समूह के प्रभाव को का उदाहरण नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्ति पर समूह के प्रभाव का उदाहरण नहीं है? क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा, कौन सा समूह का प्रभाव नहीं है? तो अल्पसंख्यक प्रभाव, निर्वैतिकरण, सामाजिक सुकरीकरण, सामाजिक स्वैचारण। यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा अल्पसंख्यक प्रभाव आपका नहीं है। समूह का प्रभाव, समूह का प्रभाव आपके सभी समस्त समूह पर पड़ता है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्य प्राप्ति के लिए जिन चरणों से गुजरना पड़ता है वे हैं? तो दोस्तों लक्ष्य प्राप्ति के लिए छोटे छोटे उद्देश्यों से गुजरना पड़ता है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, छोटे छोटे सभी उद्देश्य आपको एक लक्ष्य की तरफ ले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्य रासायनिक स्रोतों से एटीपी का निर्माण कर ऊर्जा भंडारण प्रक्रिया कहलाती है? तो यह प्रक्रिया कहलाती है फास्फोरिलीकरण। क्या कहलाती है? फास्फोरिलीकरण। होता क्या है दोस्तों कि प्रत्येक एटीपी का अणु बनने में 7.3 कैलोरी ऊर्जा भंडारित होती है, यह क्रिया फास्फोरिलीकरण कहलाती है, क्योंकि यह क्रिया श्वसन घटना में ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। ठीक है, इसलिए इसे ऑक्सीकीय फास्फोरिलीकरण भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह विभंग जिसमें दोनों अस्थियों के भग्न छोर एक दूसरे से टकराते हैं, तो दोस्तों जब दोनों अस्थियां एक दूसरे से टकराते हैं तो उसे हम कहते हैं अंतर्घटित विभंग। क्या कहते हैं? अंतर्घटित विभंग, यानी कि दोस्तों इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे एक दूसरे से टकराती हैं, रगड़ खाती हैं, तो ऐसे हड्डी के टूटने को हम कहते हैं संघात फ्रैक्चर या अंतर्घटित फ्रैक्चर, इसको इंपैक्टेड फ्रैक्चर बोला जाता है, यानी कि एक हड्डी का टूटा हुआ सिरा दूसरी हड्डी पर रगड़ खाता है, टकराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2018 के एशियाई खेलों में किसने पुरुषों के
ट्रिपल जंप में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अरपिंदर सिंह। ठीक है। और 18वीं एशियाई खेल में पंजाब के एथलीट अरपिंदर सिंह ने ट्रिपल जंप में 16.77 मीटर में गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोगों की अपनी समस्याएं सुलझाने के लिए सामुदायिक परियोजना में उन्हें शामिल किया जाना कहलाता है। तो यह कहलाता है सामुदायिक भागीदारी। क्या कहलाता है? सामुदायिक भागीदारी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय खेल मनोविज्ञान सोसाइटी यानी इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी ISSP के पहले अध्यक्ष थे। तो इसके पहले अध्यक्ष थे एफ एंटोनेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 से 10 मिनट का मंद गति से टहलना निम्न स्तर के व्यायाम तथा विस्तारण कहलाता है। तो यह दोस्तों कहलाता है कूल डाउन, यानी कि शुरुआत में किसी क्रिया को करने से पहले वार्मिंग अप किया जाता है कि हमारी पेशियां का जो सिकुड़न है वो खुल जाए और किसी भी चोट से बचा जा सके। और जब लास्ट में क्रिया को संपन्न करने के बाद कूल डाउन करते हैं कि हमारे शरीर में रक्त जमे ना, यानी आसानी से हम वर्क कर सके और वर्क के कारण जो थकावट हुआ है उससे हमारे शरीर में कोई हानि ना हो, उसके लिए हम कूल डाउन करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यूएस टेनिस ओपन चैंपियनशिप के बारे में सही है? तो क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन यूएस ओपन टेनिस चैंपियनशिप के बारे में सही है? तो कौन सा सही है दोस्तों? जैसा कि मैं एक बार इसके बारे में बता देती हूँ कि जो टेनिस खेल है इसमें ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होता है प्रत्येक वर्ष 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होता है, जिसमें से ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, यूएस ओपन होता है। जिसमें से ऑस्ट्रेलियन ओपन 1905 से जनवरी के महीने में हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, फ्रेंच ओपन 1891 से मई जून के महीने में क्ले कोर्ट यानी मिट्टी के कोर्ट पर खेला जाता है, एंड विंबलडन ओपन जो इंग्लैंड में खेला जाता है 1877 से सबसे पुराना टेनिस ओपन है, जो सर्वश्रेष्ठ टेनिस ओपन भी माना जाता है, जो जून जुलाई के महीने में हर वर्ष ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है, और यूएस ओपन 1881 से अमेरिका में अगस्त सितंबर महीने में हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। यहाँ पे आपको देखना है कि इसके बारे में कौन सही है यूएस ओपन के बारे में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ABF कौन सा सही है? ABF यानी कि ए है आपका, इसकी स्थापना 1881 में हुआ था, एंड बी है 1881 से 1974 तक ग्रास कोर्ट पर खेला गया, एंड एफ है कि 1978 से आज तक यह हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। तो यहाँ पे आंसर नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 32 है कि विभंग जिसमें अस्थि तथा त्वचा दोनों टूटते हैं तथा संक्रमण का खतरा बना रहता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम सम्मिश्र भंग यानी कि कंपाउंड फ्रैक्चर कहते हैं। जैसे कि दोस्तों जो फ्रैक्चर होता है वह मुख्यतः 8-9 प्रकार के होते हैं, जिसमें से साधारण फ्रैक्चर यानी सिंपल फ्रैक्चर यानी क्लोज फ्रैक्चर जिसे कहते हैं, इसमें क्या होता है कि ओनली हड्डी टूटता है, चमड़ी नहीं फटती है। दूसरा होता है मिश्रित फ्रैक्चर यानी कंपाउंड फ्रैक्चर, जिसे ओपन फ्रैक्चर भी बोलते हैं, इसमें हड्डी भी टूटता है और चमड़ी से बाहर भी निकल जाता है और संक्रमण का भी खतरा बना रहता है।
तीसरा होता है जटिल फ्रैक्चर यानी कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर, जिसमें हड्डियां टूटकर मुलायम मुलायम अंगों फेफड़ों हृदय गुर्दे आदि में घुस जाती हैं। और चौथा होता है विखंडित फ्रैक्चर यानी कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर, जिसमें एक ही हड्डी कई जगहों से टूट जाती है, जिसे मुलायम ऊतकों में संक्रमण का खतरा बना रहता है। पांचवा होता है संघात फ्रैक्चर, जिसे इम्पैक्टेड फ्रैक्चर बोलते हैं, जो हड्डियां टूटकर एक दूसरे पर रगड़ खाती हैं, एक हड्डी का सिरा दूसरे हड्डी के सिरे से रगड़ खाता है। और छठवां होता है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, इसे शिशु या बच्चों में ज्यादातर होता है, या इसमें हड्डियां पूर्ण विकसित नहीं हो पाती हैं, जिसके कारण किसी आघात से टूटती नहीं है बल्कि मुड़ जाती है। और सातवां होता है दोस्तों डिप्रेस्ड फ्रैक्चर, जो हमारे खोपड़ी के कपाल यानी क्रेनियल भाग की हड्डी टूटकर अंदर धंस जाती है, उसे हम कहते हैं डिप्रेस्ड फ्रैक्चर। एंड आठवां होता है रोगात्मक अस्थिभंग यानी कि पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, जो क्या होता है कि रोगग्रस्त हड्डी या हड्डी का छोटे से आघात लगने के कारण टूट जाना कहलाता है। एंड दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 33 है, किस प्रकार के विकास के कारण वर्धित पेशी मास तथा बल का परिमाण सामने आता है। तो दोस्तों वर्धित पेशी, पेशियों की जहां पे बात आए वहां पे आपको स्ट्रेंथ ध्यान में रखना है, स्ट्रेंथ जिसमें ताकत वाली चीजें हों। तो यहाँ पे वेट ट्रेनिंग यानी कि बल प्रशिक्षण आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन है किस प्रकार के विकास के कारण वर्धित पेशी मास तथा बल का परिणाम सामने आता है, तो वेट ट्रेनिंग से यानी बल प्रशिक्षण से। ठीक है, किससे? बल प्रशिक्षण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिकतम नियंत्रणीय गति है, तो कौन सी गति है? नियंत्रणीय, अधिकतम नियंत्रणीय गति है यानी संतुलन बनाने वाला। यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि शरीर का नियंत्रण खोए बिना प्रस्थान के दौरान अधिकतम गति। नेक्स्ट क्वेश्चन है रचनांतरणात्मक नेतृत्व शैली है, तो दोस्तों यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि समूह के सदस्यों को स्वार्थपूर्ण हितों से ऊपर उठकर समूह के सामान्य हित के लिए अपना भरसक प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित तथा प्रेरित करती है, कौन? रचनांतरणात्मक नेतृत्व शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 है कि स्वास्थ्य शिक्षा हमारे प्रयास इस दिशा में होना चाहिए ताकि लोगों को निम्नलिखित में सहायता मिल सके। किसमें सहायता मिल सके दोस्तों? कि वह निर्णय करना और विकल्प का चयन करना, ये ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 कि वह बीमारी जो किसी विशिष्ट संक्रामक अभिकर्ता अथवा इसके उस वैश्विक उत्पाद के कारण हुई हो जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, एक जानवर से दूसरे जानवर अथवा पर्यावरण से मनुष्य अथवा जानवर तक प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रसारित करने में समर्थ हो, क्या कहलाती है? तो उसे हम संक्रामक रोग, कम्युनिकेबल डिजीज या संचारी रोग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसकी इंग्लिश वर्जन को आप ध्यान में रखिएगा, कम्युनिकेबल डिजीज जहां पे लिखा रहेगा वो आपका सही रहेगा। नेक्स्ट है किसी जोड़ के चारों ओर संभावित संचालन का परास रेंज कहलाता है, तो किसी जोड़ के चारों ओर जो संभावित संचालन का परास रेंज होता है दोस्तों उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं लचीलापन यानी कि फ्लेक्सीबिलिटी। ठीक है, तो यानी कि सिंपल सा एक फॉर्मूला है कि जोड़ों के आसपास होने वाली गति को हम क्या कहते हैं? लचीलापन। ठीक है, नेक्स्ट है कि दक्षिण अलिंद तथा दक्षिण निलय के बीच हृदय वाल्व कहलाता है, तो दोस्तों दाएं अलिंद और दाएं निलय के बीच कौन सा कपाट होता है? त्रिमूल वाल्व, यानी इसको हम इंग्लिश में कहेंगे ट्राइकैस्पिड वाल्व। क्या कहेंगे? ट्राइकैस्पिड वाल्व।
इसमें तीन दरवाजे होते हैं इसलिए इसको ट्राइकाइस्पिड बोला जाता है। वहीं पे पूछेगा कि हृदय में बाय अलिंद और बाय निलय के बीच कौन सा कपाट होता है, तो बाइकैस्पिड वाल्व और मिट्रल वाल्व होता है, जिसे बाइकैस्पिड या मिट्रल वाल्व बोलते हैं। ठीक है, हृदय में कितने कपाट होते हैं और क्या होते हैं, कैसे कार्य करता है, इसके बारे में जानने के लिए हृदय वाला वीडियो आप देख लेंगे, सभी डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, यद्यपि क्वेश्चन नंबर 40 है, यद्यपि स्पोर्ट्स पर्सनशिप को सही सही परिभाषित करना कठिन है, तथापि यह निम्नलिखित सामान्य क्षेत्र में आता है, तो यह किस सामान्य क्षेत्र में आता है दोस्तों, नैतिकता में। ऑप्शन नंबर बी यहां पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 41 है कि समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब पारे का लगभग 70 mm है, तो वहां विभिन्न गैसों का अनुपात होगा, तो क्या होगा दोस्तों, जैसा कि मैं कई बार बता चुकी हूं कि वायुमंडल में हमारे गैसों का अनुपात सबसे ज्यादा नाइट्रोजन यानी कि 78-79% है, ऑक्सीजन 21% है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन 79.04% एंड सॉरी दोस्तों नाइट्रोजन 79.04% एंड ऑक्सीजन 20.93% एंड कार्बोहाइड्रेट जो है 0.03% हमारे वायुमंडल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42 है, किसी विश्लेषी व्यायाम में क्या शामिल होते हैं, तो दोस्तों किसी विश्लेषी व्यायाम में पेशियों का छोटा समूह शामिल होता है। नेक्स्ट है, भाव प्रबोधन यानी एराउजल को किस प्रकार परिभाषित किया गया है, तो एराउजल को परिभाषित किया गया है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, कि कार्य करने के लिए तैयारी के भिन्न भिन्न कोटि को हम कहते हैं एराउजल। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल करते हैं, भाव प्रबोधन यानी एराउजल क्या है, भाव प्रबोधन एराउजल की दिशा किसी भी व्यवहार के मूल में होती है, क्योंकि यही किसी उद्दीपन की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कराती है, कौन, एराउजल यानी भाव प्रबोधन। भाव प्रबोधन तथा अवधान ही व्यक्ति को सूचना का प्रक्रमण करने के योग्य बनाता है। भाव प्रबोधन के इष्टतम स्तर के कारण हमारा ध्यान किसी समस्या के प्रासंगिक पक्षों की ओर आकृष्ट होता है। भाव प्रबोधन का बहुत अधिक होना अथवा बहुत कम होना अवधान को बाधित करता है। उदाहरण के लिए, जब आपके अध्यापक कहते हैं कि अमुक दिन आप सबकी एक परीक्षा ली जाएगी, तो आपका भाव प्रबोधन बढ़ जाता है और आप विशिष्ट अध्यायों पर अधिक ध्यान देने लगते हैं। आपका भाव प्रबोधन आपके ध्यान को प्रासंगिक अध्यायों की विषय वस्तुओं को पढ़ने, दोहराने तथा सीखने के लिए अभिप्रेरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि नियत काल चक्र यानी पीरियडाइजेशन साइकिल में चरम चक्र की अवधि कितनी होती है, तो दोस्तों पीरियडाइजेशन साइकिल में मैक्रो चक्र, माइक्रो साइकिल, मेसो साइकिल और माइक्रो साइकिल होता है, इसमें से जो चरम चक्र जिसको बोला जाता है उसको हम मेसो चक्र कहते हैं, जिसका अवधि होता है 3-6 सप्ताह, तो यहाँ उसका निकटतम आंसर हो जाएगा 4-6 सप्ताह, आपका ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसमें तीन साइकिल होते हैं जिसमें से सबसे बड़ा साइकिल होता है मैक्रो चक्र जिसमें 3-12 माह का होता है, और उससे छोटा होता है मीजो चक्र जो 3-6 सप्ताह का होता है, और फिर 3-10 दिन का होता है माइक्रो साइकिल सबसे छोटा। नेक्स्ट दोस्तों, अभिप्रेरण में स्थिति परक कारक है, तो अभिप्रेरणा में जो दोस्तों स्थिति परक कारक क्या है, नेतृत्व शैली कैसा होना चाहिए, स्थिति के अनुसार होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44 है, 46 है, निम्न में से
कौन से खेल आधुनिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कार्यक्रम में से कभी अनुपस्थित नहीं रहे हैं, यानी कि हमेशा जब से ओलंपिक शुरू हुआ है तब से लेकर आज तक वो हमेशा होते आ रहे हैं, तो इसमें से कौन सा खेल है दोस्तों? जैसे कि इसमें एथलेटिक भी है, तैराकी भी है, फेंसिंग है, आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, यानी ए बी डी एफ। ए में क्या है? एथलेटिक, बी है तैराकी, एंड डी है फेंसिंग, और एफ है आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक। ए जब से ओलंपिक शुरू हुआ है, आधुनिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 6 अप्रैल 1896 से एथेंस में, तब से ए होता आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन डेकाथलान के बारे में सही है? तो दोस्तों डेकाथलान जो है 10 दिन की प्रतियोगिता होती है, जिसमें आपका ऑप्शन देख करके करेक्ट आंसर दीजिए इसको कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो जो डेकाथलान होता है उसमें 4 ट्रैक और 6 फील्ड इवेंट होता है, जिसमें से प्रथम दिन 100 मीटर दौड़, लंबी कूद, शॉर्ट पुट, ऊंची कूद, 400 मीटर दौड़ होता है, और दूसरे दिन 5 इवेंट, 110 मीटर बाधा दौड़, डिस्कस थ्रो, पोल वॉल्ट, जेवलिन थ्रो, 1500 मीटर दौड़ होता है। दोस्तों डेकाथलान, पेंटाथलान, हेप्टाथलान, ट्राइथलान, इन सब के बारे में डिटेल में वीडियो बनाई हूँ। जैसे कि डेकाथलान जो है पुरुषों के लिए होता है, 10 दिन का इवेंट होता है, 2 दिन तक चलता है, प्रत्येक दिन 5-5 इवेंट होता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही है, यहाँ पे आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 47 को ध्यान से आप पढ़िए। तो यहाँ पे ए एंड सी आपका सही होगा, कौन? ए एंड सी आपका सही आंसर होगा। तो यहाँ पे हम कूट नहीं दिखा पा रहे हैं, तो ए एंड सी सही होगा, यानी कि लंबी कूद पहले दिन की दूसरी प्रतियोगिता है। तो आपको सीरियल बाई नंबर से याद करना होता है, पहले दिन की प्रतियोगिता है 100 मीटर दौड़, लंबी कूद, शॉर्ट पुट, ऊंची कूद, 400 मीटर दौड़। तो यहाँ पे क्या है? लंबी कूद पहले दिन की दूसरी प्रतियोगिता है, ये आपका सही हो जाएगा। एंड आपका सी सही हो जाएगा, 110 मीटर बाधा दौड़ दूसरे दिन की पहली प्रतियोगिता है। आपको ये ध्यान देना है, ध्यान देना है कि दूसरे दिन की पहली प्रतियोगिता कौन है? 110 मीटर बाधा दौड़। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 कि कंकालीय पेशी में प्रत्येक पुलिका यानी फासिकुलस के चारों ओर संयोजी ऊतक आच्छादित यानी कि आच्छादित रहती है, वो क्या कहलाती है? तो दोस्तों जैसा कि आपको मैं कई बार बताई हूं कि संपूर्ण मांसपेशी को घेरे रहती है कौन सी? एपिमाइसियम। और मांसपेशी के समूह यानी फासिकुलस पुलिका को घेरे रहती है पेरिमाइसियम, और एक मांसपेशी तंतु को घेरे रहती है एंडोमाइसियम। तो यहाँ पे प्रत्येक पुलिका फासिकुलस की बात हो रही है, यानी कि मांसपेशी के समूह की बात हो रही है, तो समूह को घेरा रहता है पेरिमाइसियम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। संपूर्ण मांसपेशी बोलेगा तो एपिमाइसियम, एक मांसपेशी तंतु बोलेगा तो इंडोमाइसियम, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है मानसिक कोच कहलाता है, तो मानसिक कोच क्या कहलाता है दोस्तों? यह कहलाता है शैक्षिक खेल मनोवैज्ञानिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अति भार यानी ओवरलोड होता है, तो अति भार यानी ओवरलोड कब होता है दोस्तों? यहां पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, क्योंकि सभी ऑप्शन पढ़ोगे तो बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है कि आवृत्ति, तीव्रता तथा समय के साथ सामान्य से अधिक शक्ति से प्रशिक्षण के दौरान शरीर में सुधार लाना ओवरलोड हो जाता है। दोस्तों जितना लोड देना आपका अच्छी बात है, लेकिन अति भार देना अच्छी बात नहीं है। जब आपकी आवृत्ति यानी कि इंटेंसिटी और वॉल्यूम जो होता है कार्य का समय,
उसमें सामान्य से अधिक शक्ति यानी कठोरता से प्रशिक्षण दिया जा रहा है तो उसमें सुधार लाया जा रहा है, तो वो सुधार न होकर के हानि होता है, उसी को हम कहते हैं ओवरलोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संक्षेप अक्षर HIV का अभिप्राय क्या है। जैसा कि आप सबको पता है इसका अभिप्राय क्या है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोविज्ञान निम्न में से किसका अध्ययन है दोस्तों, तो आपको पता है सबसे पहले यह किसका विज्ञान हुआ, आत्मा का विज्ञान, फिर मन का विज्ञान, फिर चेतना का विज्ञान, लास्ट में इसको व्यवहार का विज्ञान बोला गया। तो अब क्वेश्चन आता है जब भी, तो मनोविज्ञान किसका विज्ञान है, तो व्यवहार का विज्ञान है, यानी व्यवहार और मानसिक प्रक्रिया का विज्ञान है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपयुक्त शरीर में उपयुक्त मन का होना इस संसार में सुख की स्थिति का संक्षिप्त परंतु पूर्ण वर्णन है, इस कथन को किसने कहा है दोस्तों, इस कथन को कहा है जॉन लॉक ने। और एक परिभाषा जो बार बार आता है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, उसको कहा है अरस्तु ने। और इस परिभाषा को कि उपयुक्त शरीर में उपयुक्त मन का होना इस संसार में सुख की स्थिति का संक्षिप्त परंतु पूर्ण वर्णन है, जॉन लॉक ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस खेल का नाम बताइए जिसके मैदान को पूरब से पश्चिम की ओर चिन्हित किया जाता है, तो वह है आपका खो खो, और सभी मैदान को उत्तर दक्षिण दिशा में चिन्हित किया जाता है। नेक्स्ट है वे वाहक जो लघु काल अवधि के लिए संक्रामक अभिकर्ता को अलग कर देते हैं क्या कहलाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों, अस्थायी वाहक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शारीरिक स्वास्थ्यता यानी कि फिजिकल फिटनेस में सुधार प्रशिक्षण उद्दीपन के गुणों विशेषताओं के प्रति विशिष्ट है, इसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध है दोस्तों विशिष्टता के सिद्धांत से। किससे है, विशिष्टता के सिद्धांत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि US ओपन टेनिस 2018 में कोच किए जाने के लिए चेतावनी दिए जाने पर सेरेना विलियम्स पर कितना राशि जुर्माना लगाया गया था, तो $4,000 जुर्माना लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2018 के एशियाई खेल में महिलाओं की 400 मीटर की दौड़ में हिमा दास ने कितना समय लेकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया था, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 50.79 सेकेंड में इन्होंने रिकॉर्ड बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्यानचंद पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया, तो दोस्तों ध्यानचंद पुरस्कार 2002 से शुरू किया गया है। नेक्स्ट दोस्तों अमीबा रुग्णता एक रोग है जो किसी संक्रामक अभिकर्ता की उपस्थिति के कारण होता है, जिसे क्या कहा जाता है, तो दोस्तों जिसे हम कहते हैं अमीबा रुग्णता को प्रोटोजोआ जनित रोग, क्या कहते हैं, अमीबा रुग्णता जो है यह प्रोटोजोआ जनित रोग है। कैसा रोग है, प्रोटोजोआ जनित रोग है। समस्त रोगों के बारे में आप जानकारी लेने के लिए रोग वाले वीडियो को देख लीजिए, जिससे सभी डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ एंड फंगल डिजीज के अंतर्गत कौन कौन से रोग आते हैं, इन सब के बारे में डिटेल में जानने के लिए रोग वाले वीडियो को स्पोर्ट्स मेडिसिन वाले प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिए। नेक्स्ट है भारत में अध्यापक शिक्षा के संबंध में शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या है, तो इसका लक्ष्य है दोस्तों कि इसके आरंभ से ही लगभग निर्धारित था शारीरिक शिक्षा के संबंध में, भारत में अध्यापक शिक्षा के संबंध में शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य, ठीक है। नेक्स्ट है रक्त एवं उत्तक के बीच गैसों का विनिमय क्या कहलाता है, तो दोस्तों रक्त एवं उत्तक के बीच गैसों का विनिमय जो है आंतरिक श्वसन कहलाता है, और बाहरी वायु और फेफड़ों के बीच गैसों का विनिमय क्या कहलाता है, वाह श्वसन, और रक्त और उत्तक के बीच गैसों का विनिमय क्या कहलाता है, आंतरिक श्वसन। श्वसन वाले वीडियो को देखने के बाद आपको सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। आंतरिक श्वसन संपन्न कहां पे होता है दोस्तों, तो माइटोकांड्रिया में, ये भी आप ध्यान में रखिएगा।
नेक्स्ट है स्वास्थ्य शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति तथा समूह सीखते हैं। क्या सीखते हैं? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, स्वास्थ्य को बढ़ावा देने, बनाए रखने और पुनः स्थापित करने के लिए सीखते हैं स्वास्थ्य शिक्षा में। ठीक है, नेक्स्ट है लीन मास तथा फैट मास के संदर्भ में शरीर का मेकअप है। तो लीन मास फैट मास यानी शरीर की संरचना का अध्ययन किसमें किया जाता है दोस्तों? बॉडी कंपोजिशन का, तो शरीर संरचना यानी कि एनाटॉमी में किया जाता है, और उसकी क्रियाओं का अध्ययन फिजियोलॉजी यानी कि क्रिया विज्ञान में किया जाता है। ये आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आउटडोर वॉलीबॉल कोर्ट के लिए न्यूनतम ऊंचाई क्लियरेंस कितनी होती है? तो इसकी होती है 7 मीटर। वही पूछेगा इंडोर स्टेडियम में अगर खेला जाता है तो उसकी छत की ऊंचाई वॉलीबॉल के लिए कितनी होती है? 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, वही भी आपको बास्केटबॉल के लिए पूछेगा तो आपका हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और बैडमिंटन के लिए 9 सेंटीमीटर, आपको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है युवा ओलंपिक खेलों की उम्र क्या है? तो युवा ओलंपिक खेलों को खेलने के लिए 14 से 18 वर्ष उम्र होनी चाहिए। नेक्स्ट है संस्कृति किसी राष्ट्र में बौद्धिक विकास का साक्ष्य है, यह परिभाषा किसने दी है? तो यह परिभाषा दिया है मैथ्यू ने। किसने दिया है? मैथ्यू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 68 कि सिगरेट पीने के कारण अस्थायी और रक्तता जन्य इसके मिक्स से आक्रांत मानव शरीर के कौन सा भाग होता है? तो इसमें आपका मस्तिष्क आक्रांत हो जाता है। नेक्स्ट है संक्षेप अक्षर एड्स का अभिप्राय क्या है? तो इसका सही जवाब आप सबको पता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट है किस विश्वविद्यालय ने वर्ष 2011-12 से 2016-17 तक मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी जीता है? तो यहां पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंजाबी यूनिवर्सिटी। जैसे कि दोस्तों यह मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी क्यों दिया जाता है, किसको दिया जाता है? तो यह ट्रॉफी जो है 1956-57 से दिया जाता है। वर्ष भर में सर्वश्रेष्ठ खेल प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को दिया जाता है, और इसमें प्रथम स्थान आने वाले को 15 लाख और प्रमाण पत्र दिया जाता है, द्वितीय स्थान वाले को 7.5 लाख और तृतीय स्थान वाले को 4.5 लाख। इसमें फर्स्ट विनर था बॉम्बे यूनिवर्सिटी। अब तक कुल अवार्ड 64 बार दिया जा चुका है, जिसमें से सबसे ज्यादा बार जीतने वाला विश्वविद्यालय है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, अब तक में कुल 23 बार जीता है। उसके बाद सबसे ज्यादा जीता है दूसरे स्थान पर पंजाब यूनिवर्सिटी 15 बार। तो सबसे ज्यादा बार जीता है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी 23 बार, 23वां बार 2022 में जीता है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर। ठीक है, एंड इसके पहले 2019-20-21 में पंजाब यूनिवर्सिटी जीता था। तो अब तक कुल 65 बार जीत चुका है, 65 बार विजेता को ट्रॉफी दिया गया है मौलाना अबुल कलाम, यानी माका ट्रॉफी शॉर्ट में इसको बोलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों बल तथा गति सक्षमता का सम्मिलन कहलाता है। तो दोस्तों बल और गति के सम्मिलन को हम कहते हैं विस्फोटक शक्ति। क्या कहते हैं? विस्फोटक शक्ति। तो स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन, इस सब के बारे में जानने के लिए स्पोर्ट ट्रेनिंग के वीडियोस को आप एक बार जरूर देख लीजिए।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो इसमें कौन सुमेलित है दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा, ए और सी आपका सुमेलित है। ठीक है, ए सॉल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता में है और सी कलूर इंटरनेशनल स्टेडियम कोची में है, जबकि यहाँ पे बारामती स्टेडियम गलत है, जो कटक में है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावी नेतृत्व किस पर आधारित होता है? तो दोस्तों प्रभावी नेतृत्व जो होता है वह नेता के समूह के प्रति स्थिति परक गुण के पर आधारित होता है कि स्थिति कैसा है और किस प्रकार से हमको सिचुएशन को डील करना है। नेक्स्ट है कि यदि त्वचा टूटती है और उससे रक्त निकलता है तो यह चोट क्या कहलाती है? तो दोस्तों यह चोट कहलाती है, यह चोट क्या, त्वचा टूटती है और रक्त भी निकलता है तो इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विदीर्ण यानी लेसरेशन। जैसे कि चोटों के बारे में पूर्ण जानकारी के लिए स्पोर्ट्स मेडिसिन वाले वीडियोज को आप देखेंगे, इसको विदीर्ण और लेसरेशन बोलते हैं। और केवल त्वचा छिल जाती है तो उसको हम खरोज यानी एब्रेशन बोलते हैं। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 75 कि सर्वाधिक स्वस्थ व्यक्ति में और अधिक सुधार नहीं हो सकता और इस प्रकार के प्रकार उसे अनुचित रूप से दंडित होना पड़ता है, यह किसकी व्याख्या है? तो यह व्याख्या है दोस्तों ह्रासमान प्रतिफल का नियम। किसका व्याख्या है? ह्रासमान प्रतिफल का नियम की व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति, जानवर, संधिपात, वनस्पति, मृदा अथवा पदार्थ अथवा इनका सम्मिश्रण जिसमें कोई वह संक्रामक अभिकर्ता रहता हो अथवा पैदा करता हो जिस पर इसका जीवन मुख्यतः निर्भर है और यहाँ इस प्रकार स्वयं प्रजनन करता है कि इसे ग्राह्य परपोषी में संचारित किया जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अगार रिजर्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बल सहन शक्ति का विकास निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जा सकता है? बल सहन शक्ति यानी स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। ठीक है, स्ट्रेंथ एंड्योरेंस यानी शक्ति के साथ सहन शक्ति, यानी लंबे समय तक आपकी शक्ति भी लगा रहे और आपकी सहन शक्ति भी हो। तो स्ट्रेंथ एंड्योरेंस का विकास इसमें से किसके द्वारा होगा दोस्तों? तो यहाँ पे ऑप्शन है प्लायोमेट्रिक व्यायाम, तो प्लायोमेट्रिक व्यायाम से आपका विस्फोटक शक्ति का विकास होता है, कैलिस्थेनिक्स से आपका आइसोटोनिक स्ट्रेंथ होता है, एंड आपका इसमें सही जवाब होगा पर्वत धावन यानी हिल ट्रेनिंग में आपका स्ट्रेंथ एंड्योरेंस का डेवलप होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी स्त्री के सामान्य मासिक धर्म चक्र से अवरोध कहलाता है? तो उसको बोला जाता है दोस्तों मासिक धर्म असामान्यता, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन क्रिकेट के बारे में सही सुमेलित है? तो यहाँ पे आपको इसको छोटा करना पड़ेगा तभी आपको सभी ऑप्शन दिखेंगे। तो इसमें से कौन क्रिकेट के बारे में सही जानकारी दे रहा है दोस्तों कि यहाँ पे पिच की लंबाई कितनी है? जैसे कि क्रिकेट की पिच की लंबाई 22 गज होता है, कितना होता है? ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा, गज होता है। तो यहाँ पे यानी बी डी ई, बी में क्या है, पिच की लंबाई 20.12 मीटर यानी 22 गज होगा, और डी क्या है, पिच की चौड़ाई 3.05 मीटर है, एंड ई है आपका पॉपिंग क्रीज 1.22 मीटर। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब लोग किसी समस्या को समझेंगे तो वो अधिक तत्परता से इसे सुलझाने का कार्य करते हैं, तो यह है, तो यह क्या है? यह है सामुदायिक भागीदारी का सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हृदय लक्ष्य हृदय गति दर की गणना हेतु सूत्र है,
तो इसका सूत्र होता है 220 माइनस उम्र गुणे 70%। ठीक है, नेक्स्ट है बास्केटबॉल के संबंध में निम्न में से क्या सही है। तो दोस्तों यहां पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ए डी और ई। ए डी और ई, ए में इसी कोर की लंबाई 28 × 15 होती है, 28 मीटर दिया है। और डी है बास्केट रिंग का व्यास 18 इंच यानी 45 सेंटीमीटर होता है। और ई है आकार की, इसको परिधि जो होती है बास्केटबॉल की 72 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, नेक्स्ट है उस शहर का नाम बताइए जहां वर्ष 2018 में पुरुषों का विश्व कप हॉकी चैंपियनशिप का खेल का आयोजन हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, भुवनेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयतन के अनुसार वायु की सही संरचना क्या नहीं है। तो दोस्तों जैसा कि इसमें ऑप्शन है नाइट्रोजन 80%, ऑक्सीजन 20.93% एंड कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% एंड अन्य गैस 0.94%। यहाँ पे सभी ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे गलत है। वायुमंडल के अनुसार नहीं है, कितना होना चाहिए 78%। ठीक है, नेक्स्ट है संक्रामक रोग जनपदिक रोग विज्ञान में वह संधिपात अथवा जीवित रोग वाहक जो किसी संक्रामक अभिकर्ता को किसी ग्राह्य व्यक्ति में भेजता है वह क्या कहलाता है। तो वह कहलाता है दोस्तों रोग वाहक जनित। क्या कहलाता है? रोग वाहक जनित। ठीक है, जैसे मच्छर ने हमको आकर के काट लिया किसी और से संक्रमित होकर के, तो मच्छर क्या हुआ? रोग वाहक जनित हुआ। नेक्स्ट है निम्न में से किसका विकास सतत एवं अंतरावधि दौर द्वारा किया जा सकता है। तो सतत शब्द जहां पे आ जाए, लगातार शब्द आ जाए, वहां पे तुरंत आप सहनशीलता यानी कि एंड्योरेंस पर चले जाइएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सुमेलित है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ए बी सी डी सभी सही है, यानी कि क्लिकर जो है तीरंदाजी से संबंधित है, बॉलेस्ट्रा फेंसिंग से संबंधित है, एरोजल गोल्फ से संबंधित है, क्यू फैक्टर साइकिल चालन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोटर कार एग्जॉस्ट एवं सिगरेट पीने के फलस्वरूप निकलने वाले जहरीले कारक हाइड्रोकार्बन निम्नलिखित में किसके लिए उत्तरदायी है। तो दोस्तों यह है आपका फुफ्फुस कैंसर यानी फेफड़े के कैंसर के लिए जिम्मेदार, जो हमारे मोटर कार चलाते हैं उससे निकलने वाले धुआं और सिगरेट पीने के फलस्वरूप निकलने वाले जहरीले कारक हाइड्रोकार्बन फुफ्फुस कैंसर यानी कि फेफड़े के कैंसर के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेगस तंत्रिका द्वारा निम्न में से कौन सा प्रभाव नहीं होता है। तो वेगस तंत्रिका द्वारा कौन सा प्रभाव नहीं होता है? ऑप्शन है दोस्तों कि हृदय की गति धीमी हो जाती है, पुलिका बंडल की चालकता घट जाती है, संकुचन बल घट जाता है, और डी है सिस्टोल की अवधि बढ़ जाती है प्रकुंचन की। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कौन सी इसमें नहीं होता है, वेगस तंत्रिका द्वारा निम्न में से कौन सा प्रभाव नहीं है। तो प्रकुंचन यानी सिस्टोल की अवधि बढ़ जाती है, यह नहीं होगा, जितना इसका अवधि होता है उतना ही होगा, इसका करेक्ट अवधि होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हृदय की गति धीमी हो जाएगी, पुलिका यानी बंडल की चालकता घट जाती है, और संकुचन बल आपका घट जाता है, जबकि सिस्टोल में कोई अंतर नहीं बढ़ता होता। यहाँ पे क्वेश्चन है एच हैरिसन क्लार्क के अनुसार शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के मूलभूत घटक हैं। तो इनके अनुसार शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने का मूलभूत घटक है ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कि पेशीय बल, पेशीय सहन शक्ति तथा हृदय श्वसन सहन शक्ति।
पेशीय बल, पेशीय सहन शक्ति तथा हृदय श्वसन सहन शक्ति। एच क्लार्क हैरिसन के अनुसार शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के मूलभूत घटक हैं कि पेशी में अच्छा बल होना चाहिए, पेशीय हृदय सहन शक्ति होना चाहिए उसके अंदर, और हृदय श्वसन यानी कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह किसका कथन है कि आज भारत को भगवद गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है, तो यह कथन है स्वामी विवेकानंद जी का। नेक्स्ट है महिलाओं के लिए आदर्श शारीरिक वसा स्तर क्या होना चाहिए, तो बीएमआर जो होता है बीएमआई जो होता है बॉडी मास इंडेक्स, वह महिलाओं के लिए आदर्श होता है 15 से 20%। ठीक है, कितना होता है 15 से 20%। अब पुरुषों के लिए होगा तो 18 से 22% आपका सही हो जाएगा, उससे ज्यादा होगा तो आप मोटापा में गिनती आ जाएंगे। नेक्स्ट है जब पानी में क्लोरीन मिलाया जाता है तो क्या होता है, तो जब पानी में क्लोरीन मिलाया जाता है तो वह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल बनते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन नींद की गोली में प्रमुख संघटक है, तो कौन है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, बारबिट्यूरेट्स। ठीक है, कौन है, बारबिट्यूरेट्स जो नींद की गोली में प्रमुख संघटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्लेषण निम्नलिखित में से किसका भाग है, तो दोस्तों यह ज्ञान का भाग है यानी कि ज्ञानात्मक क्षेत्र का भाग है विश्लेषण। नेक्स्ट है शुद्धिकरण की वह अवस्था जिसके कारण 98 से 99% जीवाणु समाप्त हो जाते हैं वह क्या कहलाता है, तो वह कहलाता है ऑप्शन नंबर सी निस्यंदन यानी फिल्ट्रेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 97 है कि निम्नलिखित में से कौन संश्लेषित नशीला पदार्थ है जिसकी संरचना एड्रेनालिन के समान होता है, तो इसमें से कौन सा है, एम्फेटामाइन होता है, यह भी एक उत्तेजक है और एड्रेनालिन भी क्या करता है उत्तेजना के समय ज्यादा कार्य करता है, जिसे लड़ो या उड़ो हार्मोन बोला जाता है और जीवन रक्षक हार्मोन भी बोला जाता है, ये आप ध्यान में रखिएगा, ये एड्रेनल ग्रंथि से स्थापित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्लायोमेट्रिक प्रशिक्षण विधि का उत्तम तरीके से वर्णन करता है, तो यह दोस्तों आपका करता है जैसे कि प्लायोमेट्रिक प्रशिक्षण विधि जो होता है वो विस्फोटक शक्ति में आता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यह मुख्यतः बाउंसिंग उछल कूद और हॉपिंग होता है, लगातार एक बेंच रखा जाता है और उसमें से नीचे कूदा जाता है यानी जंप किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99 है कि हृदय अतिवृद्धि यानी कार्डियक हाइपरट्रॉफी में आरोप प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप निम्न में से किस हृदय कोष्ठ में सबसे अधिक परिवर्तन होता है, तो सबसे अधिक किसे परिवर्तन होगा दोस्तों, बाएं नीले में, क्योंकि बाएं नीले को सबसे ज्यादा कार्य करना पड़ता है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में जानकारी के लिए हृदय वाले पार्ट को आप जरूर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100 है कि किसी महिला की वह स्थिति जिसमें उसकी 18 वर्ष या उससे अधिक की उम्र तक प्रथम रजो दर्शन यानी मेनार्के नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, प्राथमिक अनावर्त यानी एमेनोरिया उसको बोला जाता है। तो दोस्तों ये था आपका 2018 के केवीएस पीजीटी एग्जाम्स का क्वेश्चन पेपर, हमने सॉल्व कराया। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, आपने अच्छा स्कोर भी अचीव किया होगा, और ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए दोस्तों। जैसा कि इसके बाद मैं एक मैराथन क्लास भी इसके लिए लेने वाली हूँ, जैसे कि 600-700 क्वेश्चंस का रहेगा, जैसा कि आप लोगों ने डिमांड किया है। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, जिससे आपकी बेहतरीन तैयारी भी हो सके और लोगों की भी हो सके, और आप बने रहिए कंटिन्यू मेरे चैनल पे। और समय थोड़ा भी नहीं है दोस्तों, बहुत ही कम समय है,
आप अपने कंसिस्टेंसी बनाए रखिए अपने तैयारी को, और सभी चीज़ों से ध्यान हटा करके ओनली वन आप स्टडी पर ध्यान दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।